और हमारे यादव समाज के लोग ही पाखंडवाद को बहुत मजबूती से बढ़ावा दे रहे हैं। जिस दिन हमारा यादव समाज अंबेडकरवाद के आंदोलन में कूद पड़ेगा, उसी दिन इस देश में क्रांति आ जाएगी। माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए थे, और जब उस कुर्सी को उन्होंने छोड़ा तो मनुवादियों ने उनके कुर्सी का शुद्धिकरण किया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। फिर भी हमारे यादव भाई नहीं सोच रहे हैं, जब माननीय अखिलेश यादव जी के कुर्सी का शुद्धिकरण हुआ तो हमें बहुत तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट हुआ, तो हमने एक गीत गाया। अपने यादव भाइयों से हमने नाराजगी व्यक्त किया और सच बताने का काम किया। हालांकि मैं जानती थी कि मैं ये सब बात जो कह रही हूँ, हमारे यादव समाज के लोग हमसे बहुत लोग नाराज भी होंगे, लेकिन उस नाराजगी का हमने ख्याल नहीं किया कि आप हमारे अपने हैं। जब तक आप नहीं समझ रहे हैं तब तक आप हमसे नाराज हैं। सरोज त्यागी को अपने दरवाजे पे मत बुलाइए, विरह मत करवाइए, चलेगा। लेकिन हमें विश्वास है कि जिस दिन आप सही बात को जान जाएंगे, उस दिन सरोज त्यागी को से नाराज नहीं होंगे। सरोज त्यागी को अपने दरवाजे पे बुलाकर आप लोग आदर सत्कार करेंगे। तो हमने गाया था क्या, गाड़ी चाहे दी हो तू या दरवा, चाहे दी हो तू या दरवा, झगड़वा हमारो अभी से। क्यों किया, सुनिए झगड़ा करने का कारण क्या है। कृष्ण जी के वंशज यादव कहते हो कि मैं चंद्रवंशी ठाकुर हूं, यही आप नहीं रुकते हो। आप कहते हो कि मैं भगवान का वंशज हूं। हमारा यादव समाज श्री कृष्ण भगवान का वंशज है, तो मान लीजिए हम इसी को सही मान रहे हैं। हालांकि रामायण महाभारत में हमारा विश्वास नहीं है, जिसका इतिहास नहीं है उस बात को मैं सत्य नहीं मानती हूँ, लेकिन कुछ पल के लिए उसको मैं भी मान रही हूँ कि आप बड़े हैं। तो नाराजगी आप लोगों से इसीलिए मेरी है कि जब आप बड़े हैं तो बड़े बनकर रहते नहीं हैं। आप बड़े बनकर नहीं रहते हैं। आप अपने घर में कोई भी फंक्शन करवाते हैं या घर बनवाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बरही तेरही मनाते हैं, यहाँ तक कि आप खेत बोने के लिए जाते हैं, अपने आप को कहते हो कि मैं भगवान का वंशज हूँ, तो आप भगवान का वंशज हो तो सबसे बड़े हो। आपको किसी दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है, दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है। मैं उन लोगों का दोष नहीं दूंगी, इसलिए वह अपने मन से नहीं आते हैं, आप उनको बुलाते हो, अपने घर आदर सम्मान से बुलाते हो, अपनी गाढ़ी कमाई को देते हो, अपने जमीन पर बैठते हो, उनको ऊंचा सम्मान आप देते हो, रुपया पैसा सब कुछ दे लो, आओ करीब बाद आप लोग कहो कि हम भगवान का वंशज नहीं। अरे जब आप भगवान का वंशज हो तो तुमके छोट बनला के का जरूरत बा, जेके बड़का बनावे लो। जिस दिन वह बड़े लोग आपका प्रणाम करना शुरू कर देंगे, आपका पैर छूना शुरू कर देंगे, और अपने घर में वह कोई फंक्शन करवाते हैं तो आपसे राय लेना शुरू कर देंगे, उसी दिन हम समझ जाएंगे कि आप बड़े हो। बड़े तो बनते हो लेकिन आप
बड़े बनकर रहते नहीं हो, इसलिए हमने झगड़ा किया क्या? पग 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 खेला पतरवा, रुपया पैसा लगा के घर बनवा ले बा, जब वो घर में जाके रहे कोई घर में घुसे कोई तो बाबा जी के बोले वो कब ये बाबा जी हम अपने घरवा में कहिया घुसी के करे घुसी, बेटी बेटा के बियाह करबो तोरे आज ले तना सहूर नहीं आई थी कोनो दिन निम्मन मुड़ के सोच समझ के दिन रख के बिया कल कब हम भगवान के बंश जाइया, जब दिन धरे को बाबा जी के बोला तब वो आप कहो कि हम बढ़ के हई, यही लिए आप लोग से हम नाराजगी व्यक्त कैली। पग पग पद खेल पग पग पद खेल नरोत्तम दास भी लिखत हुवन जेके कहत वजा हम भगवान के वंशज हैं, वो भगवान के बारे में नरोत्तम दास लिखत हुवन लिखत हुवन कि पानी परत को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए, पानी परत को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ये बात के पढ़ के बड़ा गौरवान्वित अपने आप के हमारा यादव समाज समझता है कि हमार भगवान हम भगवान का वंशज हई, हमार पूर्वज भगवान हवन, तो लिखत हवन कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए, आ देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। मतलब कि भगवान कन्हैया गरीब ब्राह्मण के मित्र अपन बनौले रहलन सुदामा के, आ जब सुदामा अलन तो इतना उ भाव विभोर हो गलन कि पराते में पानी ले ले हम वो पनिया के हथवा से छुअबो ना कैलन, औखिया से इतना आंसू गिरल इतना आंसू गिरल कि अपने मित्र विप्र सुदामा के पैर को धो डाला। तो नरोत्तम दास भी यादव समाज को ये समझा रहे हैं कि जब तुह लोग का भगवान एगो गरीब बभने के आंसू से गोड़ धोवत है, तो तुहनो लोग जिंदगी भर ना ही आंसू से तो पानी से हमनी के गोड़ धोवत रह जा, एमे का बुराई बा। तो हमने पहले ही कहा कि हम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, हालांकि भगवान कन्हैया का जब जमाना रहल तो का उनका दोस्ती करे के रहे तो कोनो बभनही दोस्ती करे खातिर मिलल, गरीब में बभनही समाज को नहु के संगतिया मिललन, का एको गरीब अहिर ना मिललन कि अहिरहू से दोस्ती कले, आय अहिरहू के नाम पर दू चार कट्ठा तनी जगह जमीन छोड़ दे कि अहिर नाज से कहे कि नहीं हमार भगवान अपने वंशज के ही छोड़ के गइल बाड़न, आ गरीब सुदामा के तीन मुठ्ठा चाउर मिलल खाए के दू मुठ्ठा खा लियलन, एक एक मुठ्ठा खैलन तो एक लोग देलन, दूसर का मुठ्ठा खैलन दू लोग दे देलन, तीसर को मुठ्ठा खाए जात रहलन तो उनके मन मेहरारू हाथ धो लियली कहली सब दे देबो तो कहाँ तू रहब, लेकिन गरीब समाज गरीब अहिर खाती कहीं एको कट्ठा खेत जमीन छोड़ के गई रहता तो हम मंती की बतिया सही है। तो लिख रहे हैं इते नरोत्तम दास लिखलन, लेकिन तुलसी दास भी लिखत हुवन, का लिखत हुवन कि दास हवता पता है कहे चौपा,
कठिन गैल दोहा में लिखाई। बड़ा मन से रामचरितमानस के आप लोग पढ़े ला, लेकिन ओमे का लिखल बा ओकरी बारे में जाने के कोशिश ना करे ला। आप लोग रामचरितमानस को या किसी वेद पुराण की नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन आप को पढ़ते हैं, जिस दिन की पढ़ लेंगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। जेके घरे बला के ऊंचा पीढ़ा देत हो, दही खियावत हो, दूध पियावत हो, घी खियावत हो, उहे लोग लिखता कि अहीर दोनों कठिन, अहीर दोनों कठिन, अही से कठिन अहीर। आई अही तो पुनि मंत्रो सुने पर मंत्र न सुने अहीर। मतलब अही माने नाग, जितना खतरनाक नाग होला अही माने नाग, अहीर माने अहीर, जनते हो जाए आप लोग यादव जी लो। तो लिखत हुआ कि जितना खतरनाक उ नाग होला वो तने खतरनाक ही जाति को अहीर हो सो। जे दुधवा घीवा खाता उहे लिखता कि वो खतरनाक सांप से भी जहरीला, सांप से भी खतरनाक यादव समाज के लोग हैं। तो अही अहीर दोनों कठिन, अही से कठिन अहीर, अही तो पुनि मंत्रो सुने पर मंत्र न सुने अहीर। वो लिखता लो कि कितनो खतरनाक सांप बा, कितनो जहरीला बा, वो के अंतर मंत्र से ओके अपने बस में लोग कर लेलो, लेकिन ये जाति को यही इतना खतरनाक हो कि केहू के बसों में नहीं आवेल। ये लोग मंत्र से भी नहीं मानते हैं। आयत्रेय ब्राह्मण में लिखल गइल बा कि अहिरम गणरम चो मलाहम बिना गुनाहम दस पन्नाहम। अहिर गणेरी मल्ला हक अधिकार मान सम्मान की बात करता है तो जूता निकाल कर उसे दस जूता मारो, कोई पाप कोई दोष नहीं लगता है। इतना जनला के बावजूद भी जब बाप मुहत हो माई मुहत हो तो पंडित जी के बला के जब ले तुह लोग खियब जाना तब ले तुह लोग शुद्ध ना हो। इसीलिए आप लोगों से मेरी नाराजगी है। ये बहुत महान काम, बहुत ही ये समाज को आईना दिखाने का काम किया है आप मास्टर साहब योगेंद्र प्रताप यादव। ये बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारा ढोंग है, सारा पाखंड है। जिसको हम बड़ा बनाकर पूजते हैं उसके बात को मानते हैं, वो हमारे हित में कभी नहीं सोचा है, वो सदैव हमारा अहित ही किया है। तो कहना है क्या समाज में खतरा।